मोदी के सपनों को सच कर दिखाया भारत के खिलाड़ियों ने। मेडल की लगाई झड़ी, दुनिया देखती रह गई और हर भारतीय दिल से सलामी करता रहा। कॉमनवेल्थ में देश की पुरुष और महिला दोनों ने जमकर धूम मचाया तो 22 गोल्ड सहित कुल 61 मेडल के साथ भारत की धरती पर वापसी को लेकर हर भारतीय स्वागत में पलके झपकाया। देश के लिए पदक लाने वाले सभी खिलाड़ियों के परिवारों के संघर्ष और गरीबी ने हौसलों को भी बुलंद रखा। मेडल की ऐसी झड़ी लगाई कि आने वाले भविष्य में एक उम्मीद जगा। देश के पहलवानों ने विदेशियों को जमकर पटका। कुश्ती में भारत ने सबसे ज्यादा पदक झटका। खत्म हुआ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। देश के पीएम मोदी भारतीयों के हर सपने को पूरा कर रहे हैं जो भारत कभी देखा करता था। खेलो इंडिया के नाम से जहां देश में सभी खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं पीएम मोदी हर बार देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। उनसे घर वापसी पर उनके साथ भोजन भी करते हैं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ उनकी आम जिंदगी से भी रूबरू होते हैं और हमेशा साथ देने की और खिलाड़ियों को आगे मजबूती से बढ़ने का भी हौसला देते हैं। वहीं जो खिलाड़ी पदक से चूक भी जाता है, उसे भी एक हौसला उम्मीद देते हुए आगे बढ़ने की बात कहते हैं। तो जिस देश का पीएम ऐसा हो, वहाँ खिलाड़ियों का हौसला तो बुलंद होगा ही। वहीं इस बार का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, वो भी मेडल के लिए नहीं बल्कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के संघर्षों के लिहाज से। किसी की माँ ने झाड़ू पोछा लगाकर बेटी को आगे बढ़ाया तो किसी की माँ ने फैक्ट्री में काम करके अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया ताकि देश के लिए मेडल जीतने का हौसला ना टूटे। ऐसी कई कहानियां तकरीबन 50 से ज्यादा खिलाड़ियों की मिल जाएंगी जिन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक देश के लिए जीते हैं, जिनका परिवार अपने हालातों से जूझते हुए टूटते हुए अपने बेटे बेटी को आगे बढ़ाया और उन सभी खिलाड़ियों ने आज देश के लिए मेडल जीतकर भारत की शान में चार चांद लगाए। इन सभी खिलाड़ियों की कहानी देश के करोड़ों युवाओं को इंस्पायर भी करने वाली है जो हालातों से जूझकर टूटकर बिखर जाते हैं। उनके अंदर एक हौसला आएगा और यकीन मानिए, अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले ओलंपिक में और बाकी सभी खेल में भारत का जलवा दिखने वाला है। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने पदकों के साथ 2022 के इस गेम्स में भारत की विदाई हुई और किस खेल में सबसे ज्यादा पदक देश की झोली में आए। 61 मेडल के साथ भारत रहा चौथे स्थान पर। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 21 गोल्ड सहित कुल 61 मेडल जीतकर चौथे स्थान पर रहा। 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स में हम 26 गोल्ड सहित 66 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर थे, यानी 4 साल में भारत के मेडल की संख्या घटी है और पोजीशन में भी गिरावट आई है। इसके बावजूद इस बार भारत का प्रदर्शन 4 साल पहले की तुलना में बेहतर कहा जा रहा है। भारत के पहलवानों ने कुश्ती में दिखाया सबसे बड़ा जलवा। कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे कामयाब खेल शूटिंग की गैर हाजिरी में इस बार कुश्ती रहा। भारतीय पहलवान 12 इवेंट में उतरे और सभी में कोई ना कोई मेडल जीतने में कामयाब रहे, यानी जो भी भारतीय पहलवान बर्मिंघम गया वो गले में मेडल लेकर ही लौटा। भारत ने इस खेल में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता। पिछली बार भारत ने इस खेल में 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी रहा भारत का जलवा। भारत ने बैडमिंटन में इस बार 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2018 में इस खेल में भारत को 2 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मिला था। इसी तरह टेबल टेनिस में भी इजाफा हुआ, इस बार 4 गोल्ड मिले और पिछली बार 3 ही मिले थे। दूसरे खेलों में भी भारत ने शानदार खेल खेला। भारत का प्रदर्शन हॉकी, जूडो और लॉन बॉल्स में भी काफी शानदार रहा। 2018 की बात की जाए तो भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमें मेडल जीतने में नाकाम रही थी, इस बार दोनों टीमों ने मेडल जीता। लॉन बॉल्स में भारत ने गेम्स के इतिहास में पहली बार मेडल जीता, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। वहीं 2018 की बात की जाए तो जूडो खेल में भारत का हाथ खाली था, लेकिन इस बार 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज देश की झोली में आया। एथलेटिक्स में 2010 के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड जीतने वाले हमारे सबसे मजबूत भारतीय खिलाड़ी जो दावेदारी पेश करने वाले थे, वो थे नीरज चोपड़ा, जो चोटिल होने की वजह से इस बार नहीं खेल पाए। इसके बावजूद भारत के सभी एथलेटिक्स ने 2010 के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और भारत ने इस बार 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वही 2014-18 की बात की जाए तो इसमें 3-3 मेडल जीते थे। आखिर किस खेल में भारत कमजोर रहा? बर्मिंघम में भारत को शुरुआत में 3 मेडल वेट लिफ्टिंग में मिले। भारत ने वेट लिफ्टिंग में इस बार 3 गोल्ड सहित कुल 14 मेडल जीते। 2018 में हमारे वेट लिफ्टर्स ने 5 गोल्ड सहित 9 मेडल जीते थे, यानी वेट लिफ्टिंग में हमारे ओवरऑल मेडल जरूर बढ़े हैं, लेकिन इस बार गोल्ड की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट भी आई है। वहीं बॉक्सिंग में पिछली बार 3 गोल्ड सहित 9 मेडल खिलाड़ियों ने जीते थे, लेकिन इस बार 3 गोल्ड सहित 7 मेडल भारत के नाम आए हैं। स्क्वाश की बात की जाए तो 2018 में 2 सिल्वर और इस बार 2 ब्रॉन्ज ही मिल सके। तो देश के इन सभी खिलाड़ियों को आप भी अपनी शुभकामनाएं दीजिए और स्वागत के लिए तैयार रहिए और आने वाले सभी खेलों के लिए इनका भविष्य में हौसला जरूर बढ़ाइए।